स्मदे सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर हनुमंतलाल जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, श्री राधा मोहन सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम, श्री रामायण मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम, श्री रामायण मैया, श्री भागवत मैया, श्री गीता मैया, संपूर्ण वेद पुराण महापुराणों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, श्री महाकालेश्वर महाराज जी, श्री माँ पार्वती जी, श्री शारदे मैया, श्री रिद्धि सिद्धि गणेश जी, श्री कार्तिक जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, श्री छिप्रा मैया, श्री गंगा मैया, श्री नर्मदा मैया, श्री अहिल्या मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम, श्री बेरी वाले बाबा के चरणों में कोटि कोटि वंदन, श्री लाल बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम, सारी गौ माता के चरणों में बारंबार प्रणाम, आप सभी लोगों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री भगवान की कथा शुरू करने से पहले हम सभी माँ स्तुति का पाठ करें।
वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं गोवर्धनोधरं वीरं गोवर्धनोधरं तं वन्दे गोमतीप्रियं
अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक परात पर ब्रह्म परमात्मा श्री सीताराम जी गुरु श्री हनुमंत लाल जी के परम पावन सानिध्य में श्री भगवान की भक्ति करने के लिए हम सारे लोग विराजमान हुए हैं। कल के प्रसंग में हमने देखा कि श्री केवट महाराज जी नाव से श्री राम जी को पार कर रहे हैं, पार उतारा नहीं है, नाव को वहीं पर गंगा जी में कभी गोल चला रहे हैं, कभी सीधे चला रहे हैं और नाव में ही भगवान श्री राम जी को गंगा जी में भगवान को घुमा रहे हैं। तो श्री केवट जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि श्री केवट जी जानते हैं कि मैं अगर इन्हें जल्दी से गंगा पार कर दूंगा तो ये जल्दी से चले जाएंगे। केवट महाराज जी बोला स्वभाव है का मैं तो इनको नैया में ही घुमाता रहूँगा और ऐसे ही कहानी चुटकुले सुना 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 करके इनको हंसाता रहूँगा और ऐसे ही 14 वर्ष में इनको यही टाइम पास कर दूँगा ताकि ये वापस 14 वर्ष के बाद अयोध्या में चले जाएँ और राजा बन जाएँ। श्री केवट महाराज जी श्री राम जी के राजा रूप के उपासक है, वनवासी रूप श्री प्रभु का है और ये चाहते कि मुझे तो राजा के रूप में ही अच्छे लगते हैं, तो राजा के रूप में रखने के लिए श्री केवट महाराज जी ने कहा कि हम तो यहीं पर आनंद मनाए और इनको भी मैं तो क्योंकि मुझे तो कोई ज्ञान की बात आती नहीं है तो मैं इनको कहानी चुटकुला सुना करके यही टाइम पास कर दूंगा। श्री राम जी जान गए कि भैया तुम्हारा मन नहीं हो रहा है कि तुम हमें वहाँ छोड़ो, पर आप जो चाहते हो वो संभव नहीं है, मुझे वन में तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए तुम जल्दी से नाव को लेकर के पार कर दूँ। तो श्री केवट महाराज जी तुरंत नैया को लेकर के चलते हैं और गंगा के पार नाव को रोका है और श्री केवट महाराज जी खुद उतरे, उसके बाद श्री राम जी उतरे, हाथ पकड़ करके जानकी जी को उतारा, लक्ष्मण लाल जी उतरे, श्री निषाद महाराज जी भी चित्रकूट धाम तक जाते हैं इसलिए वो भी उतरे और अब श्री राम जी बालू पर खड़े हैं और उसी समय श्री केवट महाराज जी ने नाव को बांध करके
अब श्री केवट महाराज जी श्री राम जी के चरणों में लंबा साष्टांग प्रणाम करते हैं। गंगा के उस किनारे इतनी देर तक श्री केवट महाराज जी ने प्रणाम नहीं किया है, केवल खड़े ही रहे हैं, और गंगा के इस पार आने के बाद में अब प्रभु श्री राम जी के चरणों में केवट जी लंबा साष्टांग प्रणाम करते हैं। पहले प्रणाम क्यों नहीं किया? बोले पहले इसलिए प्रणाम नहीं किया क्योंकि प्रणाम का अर्थ होता है कि हम अपना सर्वस्व श्री प्रभु को सौंप रहे हैं, श्री राम जी हमारे स्वामी और हम उनके दास हैं। प्रणाम का अर्थ होता है समर्पण। तो प्रणाम केवट जी जानते कि अगर गंगा के उस किनारे में प्रणाम कर लेता तो मैं इनका दास हो जाता, तो फिर मुझे जो नाच नचवाना है वो मैं इनको नचवा नहीं सकता हूँ, क्योंकि दास का कर्तव्य केवल स्वामी जितना कहे उतना ही करने का है, उसे आगे बढ़ने का नहीं है। तो केवट जी जानते कि मैं दास बन जाऊंगा तो फिर ये जो कहेंगे वो मुझे करना पड़ेगा, मैं जो कहूंगा ये वो थोड़ी करेंगे क्योंकि ये स्वामी हो जाएंगे। इसलिए केवट जी ने गंगा के उस किनारे प्रणाम नहीं किया है और यहाँ आकर के प्रणाम करते हैं। तो श्री राम जी उन्हें उठाते हैं और जैसे प्रणाम किया केवट जी ने तो राम जी उदास हो जाते हैं, मस्तक श्री राम जी का झुक जाता है। उतरी ठाड़े भई सुर शरीर ता, ठाड़े भई सुर शरीर ता, कर रहे तो श्री राम जी उदास हो जाते हैं और संकोच में पड़ जाते हैं श्री राम जी। राम जी ने सोचा कि गरीब केवट ने हमें गंगा से पार उतारा है और अब हमारे चरणों में प्रणाम कर रहा है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि हमारे पास में इसको देने के लिए एक चवन्नी भी नहीं है। आज हम इतने गरीब हो गए हैं कि हमारे पास में कुछ भी इसको उतराई देने के लिए नहीं है, और ये कितना गरीब है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसको उतराई तो दे ही सकता है, लेकिन हमको देखो हमारे पास में इसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए श्री राम जी उदास हो जाते हैं। तो श्री सीता जी पति के मन की जानने वाली, उन्होंने तुरंत अपने हाथ में जो मुद्रिका पहनी थी वो उतार करके दी। उस मुद्रिका को ले करके श्री राम जी प्रसन्न हो गए और राम जी ने केवट जी की तरफ बढ़ाया कि भैया इस मुद्रिका को तुम स्वीकार करो। तो श्री केवट जी ने कहा कि प्रभु जन्म जन्म तक मैंने कई सारे पाप भी किए होंगे, मुझे नहीं पता कि मैंने कोई भक्ति की होगी या कोई पुण्य किया होगा, और ये जीवन भी पूरा बीत गया है लोगों को बैठा करके इधर से उधर करना, इधर से उधर करना, पार करना, पर आज सबसे बढ़िया सबसे महान उतराई मैंने आज ही तो पाई है। आप मेरे नाव में बैठने के लिए आ गए प्रभु, मेरे पास में ना भक्ति है, ना जप है, ना तप है, ना ज्ञान है, लेकिन फिर भी आप मेरी नैया में बैठने के लिए आ गए हो, तो आज तो मैंने जन्म जन्म की उतराई प्रभु पा ली है, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। तो श्री राम जी ने कहा कि भैया तो बहुत छोटी सी मुद्रिका है, थोड़ा तो लेना पड़ेगा। तो श्री केवट जी ने कहा कि नहीं प्रभु, इस समान कोई उतराई मुझे मिल ही नहीं सकती है। बड़े बड़े संत महात्मा को इतनी साधना करने के बाद भी जो चरण नहीं प्राप्त होते हैं वो मैंने ऐसे ही प्राप्त कर लिए, तो मुझे तो यही उतराई चाहिए थी जो मिल गई है। तो श्री राम जी ने मुस्कुराते कहा, लक्ष्मण लाल जी ने कहा कि भैया ऐसा है
कि इसकी मनवार करने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले ये अब आपका दास हो गया है, इसने वहाँ प्रणाम नहीं किया था, लेकिन यहाँ तो प्रणाम कर लिया है ना, तो प्रणाम करने का अर्थ ही दास हो गया है। और दास स्वामी के सामने बोलता नहीं है, जैसा जैसा स्वामी कहता है वैसा वैसा स्वामी को करना, दास को करना पड़ता है। तो ये आपका दास हो गया है, आप स्वामी हो गए हो, तो इसकी मनवार नहीं, बल्कि आप इसको ऑर्डर दो कि केवट मुद्रिका पकड़ो और जल्दी से इसको स्वीकार करो। तो लक्ष्मण लाल जी की बात सुन के श्री केवट महाराज जी को हंसी आ गई। बोले छोटे सरकार, आप बुद्धि तो बहुत तेज रखते हो, लेकिन मैं भी आपसे कोई कम नहीं हूँ। आप मुझे बार बार कह रहे हो कि लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है कि एक ही जाति वाले आपस में लेना देना नहीं करते हैं, ऐसे ही काम उधारी में चल जाता है। तो लक्ष्मण लाल जी का मतलब, बोले आपके इन भाई साहब और हमारी एक ही जाति है। तो लखन लाल जी को गुस्सा गए, बोले मूर्ख, मेरे भैया ने थोड़े से लाड़ लड़ा ले तो तुम इतना सिर पे बैठ गए हो, हमारी जाति को एक बना रहे हो। हम रघुवंशी लोग इतने ऊंचे कुल के हैं, तुम इतने छोटे कुल के हो, हमारी और तुम्हारी जाति एक कैसे हो गई? तो श्री केवट जी ने कहा कि आपके भाई साहब की और हमारी एक जाति है। तो बोले हाँ हाँ, भाई तो हमारे ही हैं। तो श्री केवट जी ने कहा कि अच्छा पूछो अपने भाई साहब से। तो राम जी जानते तो हैं, लेकिन लक्ष्मण लाल जी से कहा कि देखो तुम ही जानते हो, ये कब से अटपटी बानी बोल रहा है, मुझे नहीं पता, इससे ही पूछो। तो श्री राम जी ने पूछा केवट जी से, लक्ष्मण लाल जी ने कहा अच्छा तुम ही बताओ एक जाति के कैसे हुए। तो बोले श्री केवट जी ने कहा कि देखो मैं गंगा से पार करने वाला एक नाविक हूँ, नाव में बैठा के लोगों को गंगा पार करता हूँ, और आपके जो भाई साहब है ये भी केवटी है, ये भी लोगों को नाव में बैठाते हैं, ये भी लोगों को पारी करते हैं। फर्क इतना है कि मैं छोटी सी नैया, छोटी सी गंगा से पार करने वाला केवट हूँ, और आपके भाई साहब भवसागर से पार करने वाले केवट है। पर हुए तो सही ना, काम तो एक है ना, व्यवसाय तो एक है ना, भले छोटा बड़ा इनका बड़ा कारोबार है मेरा छोटा है, पर काम तो एक है ना, मैं भी लोगों को पार करता हूँ, ये भी लोगों को पारी करते हैं, तो एक जाति के हुए कि नहीं हुए। तो लखन लाल जी भी हंसने लगे। राम जी ने कहा अच्छा तुम बड़ी बड़ी बातें मत करो और ये मुद्रिका रख लो। केवट जी ने कहा कि प्रभु आप जिस तरह अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए आए हो, उसी प्रकार हम, हमारे भी पिताजी ने कहा था कि कभी भी गंगा के किनारे कोई गरीब व्यक्ति आ जाए, निर्बल आ जाए, कोई साधु संत आ जाए, तो उन्हें फ्री में बैठा करके पार करना। तो आज इस समय आप आए हो प्रभु बिल्कुल वलकल वस्त्र धारण करके, साधु वेश में आप आए हो, इसीलिए मेरे पिता के वचन के अनुसार मैं इस टाइम तो आपसे कुछ नहीं लूँगा, हाँ उधर से आओगे ना तब जो भी दोगे मैं स्वीकार कर लूँगा। तो लखन लाल जी का नहीं भैया, इसके चक्कर में नहीं पड़ना, ये यूँ चाह रहा है कि इधर से जितने नाच नचवाए ताकि उधर से जब आए तो फिर ऐसे ही नाच नचवाए, तो अब तो इधर से आना ही नहीं है। तो राम जी ने कहा कि केवट मान लो। तो श्री केवट जी ने कहा कि प्रभु ठीक है, आपको ज्यादा देने का शौक है ना, तो फिर मुझे एक वचन दे दीजिए। क्या? बोले वचन ये है कि आप मेरे घाट पर आए हो तो मैंने बिना ही दलील किए आपको गंगा की नाव में बैठा के पार कर दिया है। आप भवसागर के केवट हो, और जब मैं भवसागर आऊँ ना, ये संसार के सारे लोग दुनिया में कितने भी बुरे कर्म करते रहे, आप नहीं बोलते हो यहाँ पर और बोलते हो हाँ बेटा किए जा, लेकिन आप भवसागर पर जब ये जीवात्मा पहुँचता है तब आप चुटिया पकड़ करके पूछते हो कि बताओ भजन किया कि नहीं किया, भक्ति की कि नहीं की, मुझे याद किया कि नहीं किया, दान किया कि नहीं किया, धर्म का काम किया कि नहीं किया। और वो कहता है बेचारा कि किया तो नहीं है। तो श्री राम जी कहते कि फिर आप चुटिया पकड़ के उसको डुबो देते हो। तो आपसे वहाँ काम पड़ता है लोगों को, यहाँ तो सब अपनी मनमानी कर लेते हैं, लेकिन वहाँ आप पकड़ते हो कि किया अच्छा कर्म तो पार करूँ नहीं तो डूबूं। तो उस टाइम जब मैं आऊँ ना तो मुझसे एक भी क्वेश्चन आप मत करना, और फ्री में आराम से नाव में बैठाना और आराम से मुझे पार कर देना, तो मेरा और आपका हिसाब बराबर हो जाएगा।